हेलो गाइस, वेलकम धनुका क्रिकेट में। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है इंसेक्ट टैक्सोनॉमी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं इंसेक्ट क्लासिफिकेशन। तो इंसेक्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो एनिमल का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था वो एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। इसी में उन्होंने कुछ इंसेक्ट को भी खोजा था, ऑर्डर डिफाइन नहीं है। और इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये आप याद रखिए। सेकंड थे कार्ल वॉन लिनियस, इन्होंने 7 ऑर्डर डिस्क्राइब किया था, सर्च किया था, कोलियोप्टेरा, हेमिप्टेरा एक्सेट्रा, ये आप देख सकते हैं। और इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था 10th एडिशन सिस्टम ऑफ नेचर, जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे बेस्ड था, और यही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। थर्ड नंबर है जेसी फेब्रिकस, इन्होंने 13 ऑर्डर डिस्क्राइब किए थे जो कि बेस्ड थे टाइप ऑफ माउथ पार्ट पर बेस्ड थे। इन्होंने 13 ऑर्डर सर्च किया था और इन्होंने अच्छा खासा इंडियन इंसेक्ट का स्टडी किया था। और फोर्थ हैं एम्स एंड पृथ्वी, दोनों अलग अलग लोग हैं, अलग अलग साइंटिस्ट, जिन्होंने 29 ऑर्डर सर्च किया था। और पृथ्वी की बात करें, हेम राज सिंह पृथ्वी जो कि फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र थे, कहाँ के, इंडिया के। और इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी जो कि टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी थी। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं अपन क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा। हेक्सा मतलब सिक्स, पोडा मतलब लेग्स होता है, ठीक है। सिक्स लेग्स होते हैं इस कारण इन्हें हेक्सापोडा भी कहते हैं। सभी इंसेक्टों में सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, वो इंसेक्टों के बारे में आपको करेक्टर्स पता होनी चाहिए। और जैसे कि इनका जो हेड, थोरिक्स, एब्डोमेन 3 पार्ट में बटा होता है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है, सबको पता ही होगा। और रेस्पिरेशन ट्रेकिया के थ्रू होता है, इनमें मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है जो कि इनकम्प्लीट या कंप्लीट होता है। और इनका जो बॉडी होता है वो हार्ट क्यूटिकल का बना होता है, ठीक है। और एक्सक्रीशन जो होता है वो मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू करते हैं। तो ये सब मेन करेक्टर्स हैं, और भी इनके करेक्टर्स हैं, बट ये मेन करेक्टर है जो सभी इंसेक्ट में पाया जाता है कुछ को छोड़ के। तो जो क्लास आपका इंसेक्ट है उसको दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ए टेरिकोटा और दूसरा टेरिकोटा। ए टेरिकोटा में जो इंसेक्ट पाए जाते हैं उनमें विंगलेस होते हैं, विंग्स प्रेजेंट नहीं होता है। टेरिकोटा की बात करें तो उनमें विंग्स प्रेजेंट होता है या सेकेंडरी विंग प्रेजेंट होता है, मतलब फर्स्ट टाइम में विंग प्रेजेंट होता है, बाद में जो विंग्स होते हैं वो निकल जाते हैं या हट जाते हैं, जो कि हेड लाउस इसका एग्जांपल है। मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो इनमें स्लाइट होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, अब्सेंट ही होता है, बिल्कुल नहीं होता। बल्कि टेरिकोटा की बात करें तो इनमें मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। मैंडिबुलर आर्टिकुलेशन जो होता है वो मोनोकाइंडेलिक होता है, किसमें, ए टेरिकोटा में। और टेरिकोटा में होता है डाइकोंडाइलिक। मोनोकाइंडेलिक मतलब इनका जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है, ठीक है, जो माउथ पार्ट या मैंडिबल्स की आर्टिकुलेशन पॉइंट बात करें वो सिंगल होता है, किसमें, मोनोकाइंडेलिक में। लेकिन डाइकोंडाइलिक में क्या होता है, 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट जॉइंट रहते हैं जो कि हेड में अटैच रहते हैं। इनमें प्री जेनेटियल एब्डोमिनल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं ए टेरिकोटा में। प्री जेनेटियल मतलब हो गया आपका जो जेनिटल ऑर्गन जिस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, हम बात कर रहे हैं 9th सेगमेंट की, तो उससे आगे के जो एब्डोमन होते हैं उनमें कुछ अपेंडेजेस पाया जाता है, ठीक है, वो ए टेरिकोटा में प्रेजेंट होता है, ये आगे हम देखेंगे क्लियरली। टेरिकोटा की बात करें तो इनमें ये एब्सेंट होता है, प्रीजेनिटल अपेंडेजेस। अब एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो सारे ए टेरिकोट्स के ऑर्डर हैं, 4 ऑर्डर, थायसिनुरा, कोलम्बोला, प्रोट्यूरा एंड डिप्लोरा, ये चारों आते हैं। बाकी टेरिकोटा की बात करें तो 4 ऑर्डर को छोड़ के बाकी सारे 25 ऑर्डर्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो टोटल 25 पर प्लस 4 29 ऑर्डर्स का हम टोटल स्टडी करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं सब क्लास ए टेरिकोटा के 4 ऑर्डर्स की। फर्स्ट ऑर्डर है आपका थायसिनुरा, ठीक है। इनको कॉमन नेम इनका सिल्वर फिश या ब्रिस्टल टेल है, फायर ब्रेड्स भी बोलते हैं इनको। इनका जो नाम है थायसिनुरा वो फ्रिंग टेल के बेसिस पर रखा गया है, मतलब यूरा मतलब होता है इनका टेल और थायसेनो मतलब होता है फ्रिंग, ठीक है, जो कि ग्रीक वर्ड है। अब इनका कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी और भी इनके करेक्टर्स हैं बट जो मेनली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो है इनका, ये एक्टोगनेथस होते हैं, ठीक है। एक्टो मतलब होता है आउटसाइड और गनेथस मतलब होता है जॉ, ठीक है। तो इनका जो जॉ प्रेजेंट होता है वो आउटसाइड रहता है, इसलिए इनको हम एक्टोगनेथस कहते हैं। इनमें मेडियन काउडल फिलामेंट पाया जाता है, आप देख सकते हैं बीच में ये लंबा सा जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मेडियन काउडल फिलामेंट, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टाइली इनमें प्रेजेंट होता है। अब ये स्टाइली क्या होता है, ये रिड्यूस एब्डोमिनल लेग्स होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके लेग्स देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ में और छोटे छोटे लेग्स प्रेजेंट हैं एब्डोमेन में जिसको हम रिड्यूस एब्डोमिनल लेग्स बोलते हैं, वो इनको हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो सबसे कॉमन जो आपका सिल्वर फिश है
जिसका नाम है टेनोलेप्सीमा स्पीसीज़। तो ये हाउसहोल्ड पेस्ट होते हैं, ये अक्सर किताबों में पाए जाते हैं या लाइब्रेरी में दिखते हैं। तो ये आपका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं अपन सेकेंड ऑर्डर डिप्लोरांस की। इनका कॉमन नेम डिप्लोरांस ही है और इनको जेपिगिट्स भी कहा जाता है। अब कुछ इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स अपन देखते हैं। ये एंटोगेनेथस होते हैं, ठीक है। सिल्वर फिश की बात किया थे अपन, सिल्वर फिश एक्टोगेनेथस होते हैं, मतलब उनका आउटसाइड जो होता है बट इनका इनसाइड जो होता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनमें कंपाउंड डाइज और ओसिली बिल्कुल अब्सेंट होते हैं, ठीक है। और मेलफ्यूजियन ट्यूबुल्स जो होता है वो डीजेनरेट होता है या अब्सेंट ही होता है, ठीक है। वेस्टिजियल मतलब होता है आपका डीजेनरेट होना या फिर फंक्शनलेस होना। तो ये इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। थर्ड है आपका प्रोट्यूरा, इनको प्रोट्यूरांस या टेल्सन टेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी एंटोगनेथस होते हैं, इनसाइड जॉ। अब सेकेंड का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनमें एंटीना और कंपाउंड डाइज अब्सेंट होता है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। इनमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है एनामोर्फोसिस। अब ये एनामोर्फोसिस क्या होता है, इनका जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, ठीक है, ये हर मोल्टिंग के बाद एक एक अपना सेगमेंट जो है एब्डोमिन सेगमेंट ऐड करते जाते हैं। और इनका जो 12th सेगमेंट होता है, एक्चुअल में टोटल इनमें 11 सेगमेंट ही होता है बट 12th सेगमेंट होता है जिसको हम टेल्सन कहते हैं, इस कारण इनका नाम पड़ा है टेल्सन टेल। वो काफ़ी छोटा सेगमेंट होता है जो कि 11th सेगमेंट से अटैच हुआ रहता है। तो बात करने वाले अपन लास्ट वन, फोर्थ ऑर्डर कोलेम्बोला, जिसमें आपके स्नोफिलिया और स्प्रिंग टेल आते हैं, ठीक है। इन कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर अपन देखते हैं इसमें। ये भी एंटोगनेथस होते हैं, मतलब सिर्फ थायसिनुरा या सिल्वर फिश जो है एक्टोगनेथस होता है, बाकी जो तीनों ऑर्डर हैं एप्टेरस के वो एंटोगनेथस होते हैं, मतलब इनसाइड जो। इनमें कंपाउंड आइज अब्सेंट होता है, ठीक। इनमें प्रीजेनिटियल एपेंडेजेस प्रेजेंट होता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये 1, 3 and 4 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में, ये फर्स्ट सेगमेंट है जहाँ प्रेजेंट है इनका वेंट्रल ट्यूब या कोलोफोर, जिसको ग्लू पैग भी कहते हैं। ये काम आता है रेस्पिरेशन में, एडिशन में चिपकने काम आता है और वाटर एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। थर्ड सेगमेंट में जो प्रेजेंट होता है उसको हम हेम्यूला या टीनाक्यूलम या रेटिनाक्यूलम भी कहते हैं, ठीक है। अब ये रेटिनाक्यूलम क्या करता है, अब फोर्थ सेगमेंट में देख रहे हैं फर्क्यूला प्रेजेंट है। फर्क्यूला को क्या करता है, होल्ड करके रखता है रेटिनाक्यूलम, ठीक है। और जब इनको स्प्रिंग करना होता है, जब इनको उचकना होता है, तो ये क्या करते हैं, रेटिनाक्यूलम से फर्क्यूला को छोड़ते हैं जिससे ये ईयर में स्प्रिंग कर पाए। तो टेरीगोट्स के हमने ऑर्डर्स देख लिए, चार ऑर्डर हमने समझ लिए। अब बात करते हैं टेरीगोट ऑर्डर्स की, ठीक है, जिसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एक्सोटेरीगोटा और एंडोटेरीगोटा। एक्सोटेरीगोटा जिनके जो विंग डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल होते हैं, इस कारण इनको एक्सोटेरीगोटा कहते हैं। और जिनके विंग्स इंटरनल डेवलप होते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोटेरीगोटा, ठीक है। और एक्सोटेरीगोटा में मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ग्रेजुअल होता है, मतलब इनमें कोकून या प्यूपेशन स्टेज नहीं आता है, डायरेक्ट निम्फ, एडल्ट और एग स्टेज। बाकी एंडोटेरीगोटा में बात करें तो इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। एग्जाम्पल की बात करें ऑर्डर लेपिडोप्टेरा की, तो उनमें एग स्टेज होता है, लार्वी स्टेज होता है, कोकून स्टेज होता है और एडल्ट स्टेज होता है, मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। जैसे मैंने बताया आपको एक्सोटेरीगोटा में पीपल स्टेज अब्सेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। तो इमेच्योर स्टेजेस के इंसेक्ट को हम नायट्स या निम्फ कहते हैं। और एंडोटेरीगोटा की बात करें तो जिनमें इमेच्योर स्टेजेस में क्या बनते हैं, लार्वा, जिनको हम कैटरपिलर, ग्रब या मैगेट के नाम से जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के हिसाब से। तो अब बात करने वाले हैं अपन एक्सोटेरीगोटा, इनमें क्या होता है, सिंपल मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कौन कौन से इसमें ग्रुप या ऑर्डर्स आते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप डिवीजन है वो है पेलियोप्टेरान, ठीक है। इनमें नो विंग फ्लेक्सिंग मैकेनिज्म पाया जाता है, ये अपने विंग्स को होल्ड नहीं कर पाते। और पेलियोप्टेरान की बात करें, इसका मतलब होता है पुराण पाषाण काल युग के जो इंसेक्ट हैं वो। तो इसमें दो ऑर्डर आते हैं, इफेमेरोप्टेरा आते हैं जिसके एग्जाम्पल है मेफ्लाई, जिनके निम्फ एक्वेटिक होते हैं। और सेकेंड है आपका ओडोनाटा, जिसके अंदर आते हैं ड्रैगन फ्लाई और डेम्सल फ्लाई, इसके भी निम्फ क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जिसको हम नायट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने फोर्थ ऑर्डर देखा था, अब यहाँ से स्टार्ट होता है फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑर्डर, ठीक है। ये आपको याद करते हुए चलना है एक साथ, और आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए हर एक ऑर्डर का। सेकेंड है आपका पोलिनियोप्टेरान, ठीक है। ये थोड़े से नए युग के इंसेक्ट हैं जो कि ऑर्थोप्टेराइड ग्रुप में आते हैं, ठीक है। इनमें अपन देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर आते हैं। 7 है आपका प्लेकोप्टेरा, जो कि जिसमें स्टोन फ्लाइज आता है। 8 है आपका ग्राइलो ब्लेटोडिया, जिसमें आते हैं रॉक क्रॉलर्स, जिसको हम ग्राइलो ब्लेटिट्स भी कहते हैं। 9th हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, ऑर्थोप्टेरा, जिसमें आते हैं आपके लोकस्ट एंड ग्रास ऊपर। 10 नंबर है आपका फास्मीडा, जिसमें आते हैं वॉकिंग स्टिक, लीफ इंसेक्ट और स्टिक इंसेक्ट आते हैं। 11 की बात करें अपन, 11th नंबर डर्मोप्टेरा, जिसमें ईयर भी गाते हैं। इनमें फोरसेप लाइक स्ट्रक्चर सरसी पाया जाता है। इसी तरह एम्बियोप्टेरा, जिसमें वेब स्पिनर्स आते हैं। डिक्टियोप्टेरा की बात करें, जिसमें कॉकरोच और मेंटिस आते हैं, मतलब ये एक ही ऑर्डर में आते हैं।
आइसोप्टेरा की बात करें जिसमें वाइट एंट्स और टर्माइट्स आते हैं। अब थर्ड ग्रुप है इनका पार्नियोप्टेरा ऑर्डर्स, जो कि थोड़े से नए हैं कंपेयर टू ओल्ड। इसमें अपन ऑर्डर देखते हैं तो 16 नंबर जो ऑर्डर है वो सोकोप्टेरा, जिसमें कि बुक लाइस आते हैं, सोकिट्स आते हैं जो कि हाउस होल्ड इंसेक्ट हैं। मेलोफेगा जिसमें बर्ड लाइस आते हैं। सिफंकुलाटा की बात करें जिसमें कि सकलिंग लाइस आते हैं। 19 नंबर 20 नंबर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस ऑर्डर है हेमिप्टेरा और थाइसेनोप्टेरा। तो हेमिप्टेरा में सारे प्लांट बग्स आते हैं, चाहे वो जे सीड्स हो या फिर आपका रेड कॉटन बग हो। थाइसेनोप्टेरा में ओनली थ्रिप्स आते हैं, थ्रिप्स के सारे स्पीसीज आते हैं। तो अपन देखने वाले हैं एंडोटेरिकोटा, ठीक है, जिनके विंग्स इंटरनल डेवलप होते हैं या उनमें कंप्लीट मेटामॉर्फिसिस पाया जाता है। तो इनका जो ग्रुप है, डिवीजन है, वो है ओलिगोनियोप्टेरान ऑर्डर्स। अब इनमें अपन देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर्स हैं। जैसे आपका नियोप्टेरान जिसमें एंट लॉयंस आते हैं, लेसविंग आते हैं, ये प्रीडेटर स्पीसीज है। 22 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस है। कोलियोप्टेरा ऑर्डर जिसमें सारे बीटल्स वीबल्स आते हैं। स्ट्रेप्सिप्टेरा की बात करें तो ये हाईली पैरासिटिक ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है। स्टाइलोपिट्स। मेकोप्टेरा में आते हैं स्कॉर्पियन फ्लाइज। सिफोनोप्टेरा में आते हैं फ्लियाज। 26 डिप्टेरा जिसमें सारे फ्लाइज मिजेस मॉस्क्यूटोज आते हैं। लेपिडोप्टेरा में सारे मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आते हैं। ट्राइकोप्टेरा की बात करें जिसमें कैडिस फ्लाइज। और लास्ट वन हाइमेनोप्टेरा जिसमें आपके एंट बीज वास्टर ये सब आते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो टेरिकोट इंसेक्ट पे बेस रहेगी, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।